हमने उसे बहुत मारा लेकिन फिर भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं। क्या उसकी जबान कट गई है? नहीं। तो फिर उसके होंठ पत्थर के? नहीं। तो फिर उसने अब तक राज क्यों नहीं उगला? लेकिन हमने उसे बहुत मारा तब भी। मार में अगर दम हो तो आदमी खून भी उगल देता है। इंस्पेक्टर अजय शास्त्री, वाह क्या बात है, जो खून बह गया था वो किसी काम तो आया। अरे जो खून बह गया उनकी बात छोड़, अगर मेरा बस चले तो मेरे बदन के अंदर जितना खून है उसकी एक एक बूंद से मैं हिंदुस्तान लिख दूं। दम है, बहुत दम है, लेकिन ये वो जगह है जहां तेरा दम घुट जाएगा। जानता है मैं कौन हूं? कपड़ों पर जो रंग चढ़ा दे उसे रंगरेजा कहते हैं, और जो जिंदगी पर मौत का रंग चढ़ाए उसे चंगेजा कहते हैं। ये भी हमारी तरह आतंकवादी है। अब तुम्हें आखिरी बार पूछता हूं, बता दो हमारे 5 आदमियों को कहां छुपा कर रखा है? ओह, तुम यूं नहीं मानोगे। ये वो नाग है जो अपना जहर पत्थर पे छोड़े तो पत्थर भी टूट जाता है, लेकिन ये तुम्हें काटने से मर गया। तू चीज क्या है, कौन है तू? मैं एक जाबाज पुलिस हवलदार और एक खुददार मां का बेटा हूं। मेरे बाप को जिंदगी में बहादुरी के बहुत से मेडल मिले। उनके मरने के बाद मेरी बहन को मामा ले गए और मेरी मां उन मेडल को बेच बेच कर मुझे पालती रही। जब आखिरी मेडल बच गया तो उसे बेचकर वो दूत ने ही जहर ले आई। जहर तो हम दोनों ने पिया लेकिन उनके हिस्से में मौत आई और मैं बच गया। मैं तब की नहीं आज की बात पूछता हूं कि तुम आज जिंदा कैसे बच गए। तो तू ही बता, जिसे मां का दिया हुआ जहर नहीं मार सका तो तेरे इस सांप का जहर कैसे मारता? तू जानना चाहता है ना तेरे 5 आदमी किधर है? मैंने उन सबको नर्क में एडमिशन करा दिया है। क्या? अब तेरी बारी। मॉर्निंग सर। वेल डन अजय शास्त्री, वेल डन। थैंक यू सर। इस इलाके में आतंकवादी थोड़े बहुत एक्टिव थे लेकिन तुमने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। यहां का काम खत्म हुआ, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। सर आप जहां भी भेजेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन अच्छा होता अगर आप मुझे हेडक्वार्टर में आपके पास ही रहने देते। तुम जहां भी जाओगे यही समझना कि मैं तुम्हारे पास हूं। तुम
मेरे साथ हो। और अगर किसी दिन ऐसा नहीं लगा तो? अजय, आज जो मैं कहता हूं वो तुम सुनोगे, राइट? और उस दिन जो तुम कहोगे वो मैं सुनूंगा। सर, बाप का चेहरा तो नहीं देखा, अच्छा गुरु भी नहीं मिला, बस एक आप ही अच्छे मिले। अजय, पुलिस वालों को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। अब तुम जल्दी से जाओ और जाने की तैयारी करो और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। कहीं तुम्हें कोई मुहावरा तो याद नहीं आ रहा है? सर, आपने बताया नहीं मुझे जाना कहाँ है। जगन्नाथपुर। थैंक यू सर। चल बाहर निकल। अरे घोषाल साहब, नमस्ते। अबे फुटेज मत खा, चल बाहर निकल। नहीं नहीं, आप बाहर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर कैसा? ए सदा, कुछ पूछना है फिर बाद में छोड़ देंगे। चल फालतू में साहब को गुस्सा मत दिला, चल बाहर निकल। मेरा कसूर क्या है पहले ये बताइए तो सही। साले, नितिन शाह का मर्डर तूने किया और आचार्य को फोन पर धमकी तू ही देता है ना? ये सब झूठ है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, सिर्फ मजदूरों की यूनियन चलाता हूँ। मजदूरों की यूनियन चलाता है या गुंडा पार्टी? गोली तुमने चलाई है और ये रिवॉल्वर भी तुम्हारा है। ले चलो इसे, मरने के बाद इसके हाथ का छापा इस पर जरूर ले लेना, फिंगरप्रिंट्स ही ना। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बीवी है, एक बच्चा है, बूढ़ी माँ है। अबे चुप साले, अब तेरी फोटो छपेगी अखबार में कि तू इनकाउंटर में मारा गया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इन्हें मत मारिए, इन्हें मत मारिए। तुम लोग भी जल्दी से यहां से भाग जाओ। गलत आदमी से पंगा ले रहा है तू, भाग जाओ वरना उल्टा इनकाउंटर हो जाएगा। बंदूक तेरी, गोली तेरी, फिंगरप्रिंट भी तेरा, समझ गया? समझा। चलो भाई। यस। सातवीं क्लास में मुहावरा ठीक ही पड़ा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ
आचार्य जी हैं? हाँ हैं। थैंक यू। आचार्य जी का हुक्म है पहले इन घुंघरुओं को आप पांव में बांध लें तब अंदर जाएं। क्या समझे? ये क्या बात हुई? ऐसी बातें करना उनकी पुरानी आदत है। ठीक है तो फिर मैं उनसे बाद में मिलूंगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, उनसे मिले बिना अगर चले गए तो नौकरी से जाओगे, सोच लो नौकरी या घुंघरू। वर्दी उतर जाने के बाद तुम जैसे इंस्पेक्टरों की बिल्कुल वैसी हालत होती है जैसे खाल उतर जाने के बाद बकरे की। मटन बहुत महंगा है ना, सोच लो वर्दी या घुंघरू। आइए पधारिए, चलिए। सुर में चलो, सुर में तीरे, और बेसुरे हो तुम। न घुंघरू पहन कर चलना आता है, न रिवॉल्वर रख कर चलाना आता है। सोचा था तुम्हारा ट्रांसफर तो हो ही चुका है, जाते जाते तुमसे ये शुभ कार्य करवा के बदले में तुम्हें माल दे दूंगा, लेकिन तुम तो रहे टिक 20। सिर्फ खटमल और मच्छरों को ही मार सकते हो। ये तो इनकी पुरानी आदत है। आचार्य जी, पता नहीं कौन था वो, अचानक आ गया, अब की बार मिला तो गोली मार दूंगा। हाँ बस बस, अब इस डायलॉग का कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारी जगह जो दूसरा आदमी आएगा उससे मैं अपना काम करवा लूंगा। तुम जाओ यहां से। मगर सुर में, सुर में, सुर में चलना सीखो। जाओ जाओ जाओ। सुर में, सुर में। वाह मजा आ गया। क्या ताल में चलता है। ये सब क्या है? सर नए साहब का रेलवे स्टेशन से फोन आया था, वो 15 मिनट में थाने पहुंच रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। अजय शास्त्री, मैं थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर कुशाल। लगता है पहले मैंने कहीं आपको देखा है। अच्छा है, वैसे ये डायलॉग हम लोग पहले कॉलेज की लड़कियों को कहा करते थे। कम इन। मैंने सुना है अजय शास्त्री बहुत कड़क आदमी है। अरे ऐसी अशुभ बात मत कर। सुना है अगर ऑफिसर कड़क हो तो नीचे वालों की कड़की हो जाती है। लीजिए मेरी ये ड्यूटी खत्म और मेरी शुरू। लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तो वो आप हैं? इलाके में मेरा ट्रांसफर होता है,
मैं वहां कुछ दिन पहले ही पहुंच जाता हूं ताकि मच्छरों का असली रूप में देख सकूं। बाद में दवा छिड़कने में आसानी हो जाती है। मिस्टर घोषाल, उसकी क्या गलती थी जिसे आप फॉल्स इनकाउंटर का केस बनाकर मानने वाले थे? बताइए, किसके कहने पर मानने वाले थे? मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर घोषाल, बोलो। जिसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता इंस्पेक्टर अजय। जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना आप तो जानते ही हैं कि पुलिस वालों को जुबान खुलवाने के बहुत से तरीके आते हैं। आप बताएंगे या अंदर चलेंगे? आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कानून हाथ में लेने से पहले मैं सबूत हाथ में लेता हूं। लक्ष्मण। यस सर। ये रहा आपका रिवॉल्वर और वीडियो कैसेट जिसमें सदा की गाड़ी को रोकने से लेकर तुम्हारे जाने तक का सारा ड्रामा शूट हो चुका है। लेकिन इंस्पेक्टर अजय, मेरे खिलाफ अभी तक किसी ने केस नहीं दर्ज किया है। केस भी दर्ज हो जाएगा। चश्मदीद गवाह तो मैं हूं, अटेम्प्ट टू मर्डर। वर्दी तो जाएगी, साथ में कुछ सालों के लिए आप भी अंदर जाएंगे। बताइए, आप किसके कहने पर मानने वाले थे? आचार्य, समझ लो वो यहाँ का राजा है, वो एमएलए भी है, और सुना है हाल में वो पुलिस मिनिस्टर भी बनने वाला है। उसकी जन्म कुंडली उसके साथ, तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आज तक तुम आचार्य की ताल पर ठुमके लगाते रहे, अब उसे फोन करो और दो चार अच्छी अच्छी गालियां दो। जी जी, जब कोई मर्द डर के और दब के काम करता है तो धीरे धीरे वो नामर्द बन जाता है। जब तुम उसे गालियां दोगे तो तुम्हारे अंदर की मर्दानगी जागेगी। चलो फोन करो, वरना क्या, बाद में तो वो मुझे मरवा ही देगा। अपना नाम मत बताना। नाम नहीं बताऊंगा तो वो मेरी आवाज पहचानेगा। भारी आवाज में बात करो, चलो चलो फोन करो। ताड़े रही हो बाके यार, ताड़े रही हो। बोलिए। साले हरामी बड़वे कुत्ते। कौन हो सकता है? आत्मा से बोझ उतरा, दिल की कुछ भड़ास निकली। अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही गाली देते रहना, ये एक्सरसाइज है, इससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और ये वर्दी तुम्हारे लिए गाली नहीं गर्व बन जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर, आचार्य का आदमी गोपी आवे है। यावे है क्या? क्या मतलब? ना आता हुआ बोल सकते हैं, ना आती भी बोल सकते हैं, इसलिए आवे है। एक बार आप खुद चल के देख लीजिए। ये आचार्य जी ने आपके लिए भेजा है और इस समय घर पर बुलाया है, ये तो उनकी पुरानी आदत है। तुमको जो कहना था तुमने कह दिया, अब तुम जाओ। हाँ, ऐसे कैसे जाऊँ? मुझे जवाब चाहिए। तुमने मेरे आदमी को थप्पड़ मारा क्यों? जब मैं सातवीं क्लास में था तो एक बात पढ़ी थी, पहले दिन ही बिल्ली को मार देना अच्छा होता है। पानी में रहके मगरमच्छ से बैर करोगे? जब मैं पानी में उतरता हूं तो मैं भी मगरमच्छ बन जाता हूं। तो इस शहर में आना महंगा पड़ेगा। ये आचार्य यूं ही नहीं कहे जाते, ये संगीत के साथ साथ क्राइम की दुनिया के भी प्रोफेसर हैं, इसलिए आचार्य कहे जाते। मैं भी शास्त्री ऐसे नहीं कहा जाता, मैं क्राइम की दुनिया का फिलोसोफर हूं, इसीलिए शास्त्री कहा जाता हूं। आप इसे पूछिए ना, इन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? आप चाय पी रहे हैं, प्याली जरूर चाय से ठंडी होगी, इसलिए आप हाथ से उठाकर पी रहे हैं। अगर प्याली चाय से ज्यादा गर्म होती तो आप क्या करते? पटक देता। बिल्कुल सही, आपने
इन महाशय को भेजा था फूल देकर। इनके तेवर ऐसे थे कि चाय से ज्यादा चाय की प्याली गर्म थी। वो तो शुक्र है कि मैंने इसे पटका नहीं, सिर्फ थप्पड़ मारा। सबको एक ही डंडे से हांक देते हो, बेसुरे कहीं के। मेरी बदतमीजी तो दिखाई दी आपको, लेकिन उसकी बदतमीजी नजर नहीं आई। उसने ना आते वक्त सलाम किया और ना जाते वक्त उसने ठेंगे पे रख दिया आपको। ये किस इंस्पेक्टर को भेज दिया यहाँ? अच्छा, आप अजय शास्त्री की बात कर रहे हैं? हाँ वही। वो ना तो सुर में है ना ताल में। आचार्य जी, वो तो हमारा सबसे होनहार इंस्पेक्टर है। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में पूरे इलाके को ठंडा करके रख देगा और क्रिमिनल्स तो ऐसे भागेंगे जैसे भूकंप आने पर चूहे भाग जाते हैं। और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा। क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए मुझे। तुम फौरन उसका ट्रांसफर करो। उसने कोई गलती की है या कोई बदतमीजी की है? एक मामूली इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कराने के लिए मुझे तुम्हें पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। आचार्य जी, उसे अभी अभी तो वहां भेजा है और फिर ट्रांसफर करने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। सुर में बात करो। हेलो कमिश्नर साहब, आप चिंता ना करें, ये तो इनकी पुरानी आदत है। बाय। जानकी, तुम्हारे भैया का फोन आया है। मेरे भैया का फोन? अरे क्या हुआ भैया? अरे पहले सांस तो ठीक कर ले। नहीं करूंगी। ठीक है, ऐसी बात कर। नहीं करूंगी। ठीक है, मैं ही बात करता हूँ। काली माँ की पूजा इस बार गांव कब आ रही है? मैं नहीं बताऊंगी। मैं 20 तारीख को जा रहा हूँ। मालूम है, गांव से अनु की चिट्ठी जो आई थी उसमें 20 का ही लिखा है। तो ठीक है, इस बार पूजा में मैं तेरे लिए गांव में इंतजार करूंगा। पहले जाओ तो सही, करने से पहले ही बोलना शुरू कर देते हो, बस यही तो मार खा जाता है हिंदुस्तान। बाय। अच्छा हुआ तुम आज पुलिस वाले के ड्रेस में नहीं आए। क्यों? पता नहीं, देखकर डर सा लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आजकल ये खबर सुनने को मिलती है कि पुलिस वाले ने एनकाउंटर में आज उसे उड़ा दिया तो कल इसे उड़ा दिया। अरे ये सब ज्यादातर अफवाहें होती हैं। लेकिन तू क्यों घबराती है? तेरे लिए तो मैं खुद ये पुलिस वाला जान देने के लिए तैयार हूँ। बस रहने दो, तुम जान क्या दोगे? आज तक जबान तो खोल नहीं पाए। बड़े ठाकुर से बात किया कभी हमारे बारे में? और ये तीसरी काली पूजा आ गई है। इस बार मैं ठान कर आया हूँ कि उनसे मैं जरूर बात करूंगा। जरूर बात करना, क्योंकि अब मेरी उम्र शादी के लायक हो गई है। और अगर घर वालों ने फटाफट मेरी शादी की और कर दी तो? अरे तू चिंता मत कर, अगली काली पूजा में हम तीनों जने एक साथ पूजा करेंगे। ये तीसरा कौन है समझ गई? अरे कहाँ जा रही है, रुक। अगर मेरे भाइयों में से किसी ने भी हमें एक साथ देख लिया ना तो उनके लिए ये मूंछ की लड़ाई हो जाएगी और फिर वो हमारी शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। चलो कल उसी जगह मिलते हैं। अजीब बात है, कंबल लोड कर घी पियो तो ठीक है। ठीक ही कह रही थी, इसके सारे भाई तो आधी खोपड़ी के हैं। बबलू डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक एक की छुट्टी कर देंगे। तैयार हो ना? मैं यही हूँ। कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी क्या रे, बाकी सब बैठ गए? हाँ, कमजोर। अच्छा बेटा, चिंता मत करना, आन दे साले को। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। अब किया अबे गया। ए मुखिया, हमने कहा था ना, हमारे आदमियों से मुकाबला नहीं कर पाओगे। जा भीमा जा, अब एक ही बचा है, साले को मार। क्या, अबे मोटे काले भैंसे हाथी की औलाद। बीमा, कोई बात नहीं, उसे आने दो, भुर्ता बना देना। भुर्ता नहीं, चटनी बना देना साले की। दर्शन, अरे दर्शन, अरे जाओ, कबड्डी 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 कबड्डी। अरे क्या, अरे कौन है? कबड्डी 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 जाओ जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। ये नहीं तो गांव में कोई मर्द तो होगा जिसने माँ का दूध पिया होगा। कबड्डी 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 एक बात याद रखना ठाकुर, माँ के दूध का कभी भी वास्ता मत देना, वरना कोई भी कभी भी ऊपर का रास्ता दिखा देगा। चलो आनंद, यहां से चलते हैं, देख लेंगे इस साले को। आप लोग शांति बनाए रखें, ठाकुर जी का परिवार बस पहुंचने ही वाला है। सबसे पहले परंपरा अनुसार वो पूजा करेंगे, आप लोग शांति बनाए रखें। चल पीछे हट। आके किसी और को दिखाना, इंस्पेक्टर हो गए अपने घर के। मैं बड़े ठाकुर का खास आदमी हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने कोई गलती नहीं किया, बड़े ठाकुर साहब का हुक्म है कि उनसे पहले कोई पूजा नहीं करेगा, ना ही कोई मंदिर की सीढ़ी चढ़ेगा। तो फिर मुझे क्यों नहीं रोकता? कल से काम ले आ जाए, एक तरफ काली माँ के भक्तों का मामला है और दूसरी तरफ तू ठाकुर को अपना ससुर बनाना चाहता है। नमस्ते ठाकुर साहब। तुमने सबसे पहले पूजा करके वो परंपरा जो सालों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया, तुम चाहते क्या हो? आप बुरा मत मानिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये झूठ बोल रहा है पिताजी,
कल तक जो लोग हमारी ताकत को लोहा मानते थे वही लोग आज हम पर थूकेंगे कि आज हमारे से पहले किसी और ने पूजा कर ली। जी नहीं, लोग पहले की तरह ही आपकी जय जयकार करेंगे। भाइयों, राशन की दुकान में जो पहले आता है उसे सामान पहले मिलता है, ये तो उससे भी अच्छी जगह है, तो फिर यहां पहले आने वाला पीछे क्यों रह जाए? बोलो, ये बात गलत है कि नहीं? हाँ, ये गलत है। अभी अभी ठाकुर साहब से मेरी बात हुई, वो भी इस पुरानी परंपरा के विरोधी हैं। वो भी यही चाहते हैं जो मंदिर में पहले आएगा वही पूजा करेगा, भगवान और भक्तों के बीच अब कोई बाधा नहीं रहेगी। बोलो बड़े ठाकुर, बड़े ठाकुर की जय, बड़े ठाकुर की जय, बड़े ठाकुर जिंदाबाद। आज उसने हमारी इज्जत का फर्द बना दिया। इस तरह से जो दबदबा हमारा गांव वालों में है वो सब खत्म हो जाएगा। लोग घर में आकर ही भौंकोगे, वहां कुछ क्यों नहीं कर लिया? इसलिए कि आप भी वहां चुप रह गए थे। तुम लोग भी चुप रहो और सुनो, जिंदगी में भौंकने के बजाय गरजना सीखो। जी, बधाई हो ठाकुर साहब। वही आजकल तो चारों तरफ आपकी ही चर्चा है, गांव वालों में तो आप ही की वाहवाही हो रही है। जले पर नमक छिड़कने के लिए तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर, बुरा मत मानना, मैं तुम जैसे वर्दी वालों को समझता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि टुकड़ा कब और कितना डालना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सारे वर्दी वाले ऐसे नहीं होते, कुछ तो इतने चालाक और बहादुर होते हैं कि शेर की मूंछ उखाड़ लेते हैं और बेचारे शेर को मजबूरी में मुस्कुराना पड़ता है। आप किसकी बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर अजय शास्त्री की। अजय, अजय बेटा। क्या बात है? बात कुछ ऐसी है, काली पूजा में हर साल ड्रामा होता है, उसमें नाचने के लिए इस बार हमने शहर से मीना बाई को बुलाया है, उसके पीछे खड़क सिंघार धोखे पड़ गया है, पूरे गांव वालों की नाक कट जाएगी बेटा। अगर आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूं। अच्छा बेटा। मीना बाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अंदर तुम सज भी रही और बाहर डोली भी तैयार है। आज तुम हमारी महफिल में नाचोगी भी और गाओगी भी, और ठाकुर खड़क सिंह की दुल्हन भी बनोगी। मैं यहाँ काली माँ के पूजा में नाचने गाने आई हूँ, तुम्हारी डोली तुम्हें ही मुबारक हो। नाचना पसंद करोगी या दर्द से तड़पना, डोली पसंद करोगी या आरती? तुम दबाकर भागना पसंद करोगे या मार खाना? से चिल्लाओ मत, मुस्कुराओ, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, इसी में तुम्हारी इज्जत रह जाएगी। चलो मुस्कुराओ, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, इसी तरह मुस्कुराते हुए जाना। हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारी यहाँ जम के पिटाई हुई है। जाओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से। तेरी माँ। चलो 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 जल्दी उठो। भैया, ये क्या भैया, आप मुझे क्यों सल्यूट कर रहे हैं? माँ कहती थी पिताजी का एक सपना था कि मैं इंस्पेक्टर बनूं और वो मुझे सल्यूट किया करते थे। मैंने भी एक सपना देख लिया है
तू आईपीएस ऑफिसर बने, इसीलिए आज से सैल्यूट चालू। मान लीजिए अगर ये मैं नहीं बन पाई तो? फिर भी सलामी जारी रहेगी। एक बार जिसे ऑफिसर मान लिया तो मान लिया। कृष्णा मामा, देखो कौन आई है। मामा जी, मामा जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो अनु? हाँ, जानकी आ गई है। जानकी आ गई सर? हाँ, मुझे अभी जानकी से मिलने जाना है। मौसी मुझे बाहर तक छोड़ दो ना। चलो ना मौसी। अच्छा ठीक है, चलो। कुत्ते की तरह हारा, ऐसा कोई मारता है क्या? अरे क्या करता है यार उड़ के बच्चे? जैसा है कोई गांव में? जानकी तू हंसती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। इसका मत हंसाओ वरना मैं रो दूंगी। जानकी इसकी आदत बहुत बुरी है, ये हंसा हंसा कर रुला देती है। इससे जरा दूर ही रहना। अभी आती हूँ। क्या बोले, क्या बोले? हाँ वही जो तुमने सुना। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कल की पिटाई भूल गए? हाँ भैया, क्या भूल गए, क्या भूल गए भैया, मुझे भी बताओ ना क्या भूल गए। वो क्या है कि वो ये समझ रही है कि मैं गिफ्ट लाना भूल गया। अच्छा? मुझे तो इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब तुम दोनों इकट्ठे हो जाओ और गिफ्ट इकट्ठे दे दूं। चलो 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 देखते क्या है। वाह उस्ताद, छोकरी क्या मिल गई, अपने प्यारों को भूल गए, हम भी किसी से कम नहीं। तू पागल है। अनु ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? भैया की पसंद कितनी अच्छी होती है ना। भाई तुम्हारे लिए भी तोहफा लेकर आया हूँ, कमरे में जाओ और जल्दी से पहन कर आओ। जाओ। इसमें तुम चाहो तो किसी की भी तस्वीर लगा सकती हो, भगवान की, इंसान की, जानवर की। तुम किस में आते हो? तीनों में। अभी तक जानकी नहीं आई? अरे वो जानकी सो गई क्या? नहीं भैया बिल्कुल नहीं, अभी आई। जान चढ़ा। ये सब क्या है? भैया आप जो कपड़े लाए हैं वो सब छोटे पड़ गए, और ये चूड़ियां भी। तो कपड़े पहने क्यों? आप लोग हंसे तो सही। हमें हंसाने के लिए आपने आपको मजाक बना लिया। इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, नजर लग जाएगी। जा कपड़े बदल क्या। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी मिला करो ताकि हर बात का पता रहे। लेकिन तुम मिलोगे साल 6 महीने में एक बार, तब तो गड़बड़ होने वाली है ना। औरत साथ कितनी जल्दी बड़ी होती है ये तुम क्या जानो। क्यों अब मिलोगे ना जल्दी जल्दी? बिल्कुल नहीं, पहले मैं शहर जाऊंगा अपनी बहन के लिए कपड़े लाने। अच्छा जाओगे कैसे? तुम्हारे खटारे की चाबी तो मेरे पास है। अनु जानकी
तेरे भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ अनु, बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अपने भैया में ही सबको देख लेती हूँ। तुम जानती हो एक बार भैया ने क्या किया? क्या किया? रहने दो भैया, मैं कर लूंगी बाबा। अरे तेरी शादी में मेहंदी तो मुझे ही लगानी है ना, चुपचाप बैठी रह। ये बात जब भी मुझे याद आती है ना, मेरा जी भर आता है। अब देखो ना, भैया मेरे लिए फौरन शहर चले गए। कोई बात नहीं जानकी, वो आ जाएंगे। देख अब रात होने वाली है, हम घर चलते हैं। हाँ चल। अरे जानकी रुक। हाँ। आनंद भैया। हाँ। चल आनंद भैया, आप खेतों की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ। जाते जाते जानकी को इसके घर तक छोड़ दीजिए ना। हाँ चलो। अनु ये तुमने अच्छा ही किया, वैसे भी मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। ठीक है। ठीक है। जानकी के साथ क्या होगा? जानकी, 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 जानकी बेटा, जानकी, अरे मेरी बेटी जानकी, अरे किसे ये कर दिया? Thank you.
करवा दूंगा जी, जी। जाइए आप लोग का काम हो जाएगा। नमस्कार। बधाई हो, आप पुलिस मिनिस्टर बन गए और राइट टाइम पर बन गए। राइट टाइम पर राइट काम करना तो इनकी पुरानी आदत है। अयो बधाई देने तुम अकेले ही आए, ससुर जी और बाकी की मंडली नहीं आई? जी नहीं जीजा जी, दरअसल बात यह है, आनंद ने गांव की एक लड़की का रेप कर दिया और उसे मार दिया। मार दिया जी। ये काम सुर में किया उसने, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। लेकिन लड़की का बड़ा भाई इंस्पेक्टर है, वो मामले को दबने नहीं देगा। नाम क्या उसके भाई का? अजय शास्त्री। ओ वही फिलोसोफर, अब मैं उससे पूछूंगा उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? थप्पड़ खाना तो इसकी पुरानी आदत है। वो अजय शास्त्री तुम्हारे गांव का था, उसके बावजूद भी उसने मुझे नहीं पहचाना। जी वो आपकी शादी पर भी नहीं था। देखो तुम सुनो, तुम लोग कोई काम बेसुरा नहीं करना और खासतौर पर ससुर जी को रोकना। जी वो पुलिस वाला है, मैं जो भी करूंगा सुर और ताल में करूंगा। मैं लोहे को लोहे से ही काटूंगा। क्यों डीएसपी माथुर? जी सर, आपने जो कुछ कहा सर मैंने कुछ सुना नहीं। लेकिन आपने क्या कहा वो मैंने सुन लिया। आप अपना ट्रांसफर किसी बड़े शहर में चाहते हैं जी, और आपको प्रमोशन भी चाहिए जी। लेकिन आप ये सब कैसे जानते सर? मैं मुंह का साइज देख के हड्डी का साइज समझ लेता हूँ। ये तो इनकी पुरानी आदत है। देख लिया है तू आईपीएस ऑफिसर बने, इसीलिए आज से सैल्यूट चालू। मान लीजिए अगर ये मैं नहीं बन पाई तो? फिर भी सलामी जारी रहेगी। एक बार जिसे ऑफिसर मान लिया तो मान लिया। रहने तो भैया, मैं कर लूंगी बाबा। अरे तेरी शादी में मेहंदी तो मुझे ही लगानी है ना, चुपचाप बैठी रह।
कानून के हवाले कर दें ताकि जुल्म की कहानी सजा के साथ ही खत्म हो जाए। नहीं पिताजी, अगर तुम लोगों ने उसे छुपाने की कोशिश की तो यह कहानी बहुत लंबी हो जाएगी ठाकुर, और इसका शब शब खून से नहा जाएगा, फिर लकड़ियों से ज्यादा लाशें जलेंगी, लाशें। तो ये पुलिस मिनिस्टर बन गए, अब जानकी के भाई का क्या होगा? ठाकुर साहब की बड़ी बेटी, हाँ इसी के बारे में सुना कि बहुत अच्छी है। हाँ वो तो देवी है, देवी। नमस्ते। नमस्ते। जीते रहो भाई। नमस्ते। नमस्कार। दीदी आ गई। शुक्रिया, शुक्रिया। कैसी हो अनु? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे वाह अनु, तू तो एकदम महंगाई की तरह बढ़ती जा रही है। तारीफ करना तो पुरानी आदत है। अरे एक बात पूछनी थी तुमसे। आनंद कहाँ है? आनंद भाई अंदर है। अच्छा। और दीदी अरे देख अपने भाई को कैसा डरा हुआ है, चेहरा कैसा बुझा बुझा सा है, रात को सोता नहीं है शायद। लगता तो यही है। डर के मारे लगता है खाना पीना भी भूल गया है। है तो बड़ी कुत्ती चीज, देखो तो कैसे शरीफ बन के बैठा हुआ है। जाने दीजिए, आप तो आनंद के पीछे ही पड़ गए। अरे ये तो मेरा सबसे प्यारा और दुलारा साला है। देख आनंद, मैं तेरे डर को आज हमेशा के लिए तेरे अंदर से निकाल दूंगा। उस अजय को मैंने आज यहीं बुलाया है, यहीं। वो भी आता ही होगा। जरा संभालिए इनको, आपके दुलारे चले। अरे आनंद, अरे तू जिससे डरता है ना वो मेरे सामने सर झुका के खड़ा रहेगा, साला सबके सामने मुझे सलाम करेगा, सलाम। गौर से देखिए, इसका सर झुका हुआ नहीं है, मर्द की तरह सीने तान कर खड़ा है। और रही सलाम करने की बात, तो उसने पहले ही हाथ में पट्टी बांध रखी। सारी कहानी का निचोड़ ये है कि इसने आज भी आपको ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? चोट लगी है। झूठ बोल रहे हो तुम, तुमने झूठ मूठ हाथ में पट्टी इसलिए बांधी है ताकि तुम्हें हाथ उठाकर मुझे सलाम नहीं करना पड़े। अजय तुम इतना याद रखो, तुम चाहे जितनी भी चालाकी कर लो तुम मुझसे नहीं जीत सकते। आप भी याद रखिए, हवा चाहे जितनी तेज चले पहाड़ों में सुराख नहीं हो जाते। सलाम करवा लिया उससे? जीजा जी, शरबत पी लीजिए। अरे जीजा जी, क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? हार कर चुप रहना तो इनकी पुरानी आदत है। शट अप, सुर में रहना, सुर में। जब भजन कीर्तन से काम नहीं चले
तो बलि चढ़ानी पड़ती है, बलि। तुम तो कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हो, बड़ी देर लगेगी। ये कहाँ छिपा होगा आनंद का बच्चा, पता नहीं। अजय, तुम्हारी कमिश्नर साहब से बात हुई ना? हाँ। उन्हें आचार्य जी के बारे में सब कुछ बता दिया ना? हाँ, उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तक शायद पुलिस थाने में फोन कर दिया। हाँ, साहब, मुझे इंस्पेक्टर पवनलाल जी ने भेजा है, आनंद जंगल के डाक बंगले में छुपा हुआ है। अच्छा होता आप हमारे साथ चलते। आनंद डाक बंगले में? आनंद छुपा हुआ है। चाहिए ये है आनंद, इसी ने तेरी बहन की। बाबूलाल शराब, अब ये तेरी भी ऐसी तैसी करेगा। आनंद गोली मारी से, अरे तू इसे मारेगा ना तो सबसे ज्यादा दर्द होगा इसे। मार, अरे हम देखता क्या है, मार। ये तुमने क्या किया? नहीं अजय, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें मैं आपको बचाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, पहले डीएसपी साहब के पास, उनके सामने बयान देने में कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट, उनके सामने बयान दूंगा तो केस एकदम पक्का हो जाएगा। अजय तू मेरी फिक्र मत कर, मैं बिल्कुल होश में हूँ। चलो डीएसपी साहब के पास चलो, पहले डीएसपी साहब के पास, तुम्हें मेरी कसम है। जल्दी आ जाए, मेरी फिक्र मत करना। मैं भी डीएसपी साहब को लेकर आया। तू ये रहा। सर जल्दी चलिए, दर्शन मेरी जीप में जख्मी पड़ा हुआ है, उसे मुझे बचाने में गोली लग गई। जल्दी से उसका बयान ले लीजिए। लेकिन उसको गोली मारी किसने? आचार्य जी के ससुराल वालों ने, और उनके साथ इंस्पेक्टर भंवरलाल भी मिला हुआ है। जस्ट अ मिनट, मैं अभी टेप रिकॉर्डर और वीडियो कैमरा लेके आता हूँ। दर्शन, दर्शन, दर्शन! ओह गॉड, आपने जानबूझकर देर कर दी, इसकी मौत की जिम्मेदार आप हैं। शट अप, इसी तरह अपने अफसरों से बेइज्जती से पेश आते रहे तो बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। मुझे वर्दी की धमकी मत दीजिए, अजय शास्त्री वर्दी नहीं, वर्दी से भी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
ऐसा मत, ऐसा मत, ऐसा मत। ये वर्दी तुम्हारे पिताजी का सपना था, इसे मत जला। आगे तुम्हें जो कुछ करना वो वर्दी पहनकर भी कर सकते हो, वो वर्दी पहनकर भी, पहनकर पहनकर वो वर्दी पहनकर भी कर सकते हो, वो वर्दी पहनकर भी। हेलो एवरशाइन एस्टेट एजेंसी। हाँ इंस्पेक्टर भंवरलाल बोल रहा हूँ। हाँ भी आया हूँ एक महीने की छुट्टी लेकर। लाया हूँ पूरा माल, लाया हूँ लेकर तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ, लेकिन दुकान की चाबी मुझे आज ही मिल जानी चाहिए। ठीक है, ओके ओके। मोबाइल है। भैया आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ पूजा मैं बाहर जा रहा हूँ। सुन दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, समझ गई ना? और जरा भी कुछ ऐसा वैसा लगे ना तो ड्रॉअर में रिवॉल्वर है जो भरा हुआ है। भैया रिवॉल्वर? लेकिन आप मुझसे रिवॉल्वर की बातें क्यों कर रहे हैं? पगली जिस नौकरी में हम हैं उसमें रहकर कईयों को दुश्मन बनाना पड़ता है, और पता नहीं कौन कब कहां से दुश्मनी निकालने के लिए आ जाए, इसलिए गोली चलाने में बिल्कुल नहीं डरना। चल मैं आता हूँ। अपना ध्यान रखना और ये दरवाजा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर ले। जी भैया जल्दी आना। तू फिकर नहीं कर। कौन? कौन है? कौन है वो भी? हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, भैया भैया मुझे डर लग रहा है, लगता है कोई घर पे है। भैया भैया तुम जल्दी आ जाओ। बस मैं पहुंचा। उस दिन तुमने ठीक कहा था कि आनंद से मार खाकर मुझे सबसे ज्यादा दर्द होगा। उसके बाद मैंने ये रिसर्च शुरू किया कि तुम्हें कौन मारे जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, तो मुझे तुम्हारी बहन नजर आई। कौन है वापे? आप आगे नहीं आना, मैं गोली मार दूंगी। मैं बोल रही हूँ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। कौन है बता दो, नहीं तो मैं दरवाजा खोल के गोली मार दूंगी। पहली गोली तेरे रिवॉल्वर से चली थी, इसलिए पहली मौत तेरी है। अब बारी आनंद की। अपने को सुना, इंस्पेक्टर भंवरलाल को उसकी अंधी बहन ने ही गलती से गोली मार दी। पांच पांच गोलियां। वो दूसरों की बहनों की इज्जत नहीं करता था ना, वो बहन के हाथों ही मारा गया।
छोटे बड़े सबको गोपी का प्रणाम। अरे गोपी तुम? हाँ जी मैं। अचानक कैसे टपक पड़े? आचार्य जी को टपकाने की पुरानी आदत है, इसलिए हम टपक पड़े। बात यह है कि घर में भाभी जी का पाँव भारी है, तो उनकी सेवा के लिए हम अनु जी को लेने आए। मौसी। आइए। दिखदा दीदी। दीदी। अरे तुम दीदी, तुम किसके साथ आई हो? जीजा जी ने गोपी जी को भेजा था। क्यों? उन्होंने बात संदेश दिया कि तुम्हारे पाँव भारी है। बस ये खबर सुन के मैं फौरन चली आई, जरा भी देर नहीं की। मुबारक हो दीदी। अनु, तुम किसी भी तरह से वापस जा सकती हो तो चली जाओ। क्यों? अनु मैं गर्भ से नहीं हूँ, ये सब तुम्हारे जीजा जी की चाल है। अरे भाई, तुम यहाँ आने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए ये छोटा सा झूठ बोलना पड़ा। इसमें बुरा क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों बहनें आपस में साथ में रहो, खाओ पियो, घूमो फिरो, गप्पे मारो, ऐश करो। और हाँ, मैंने अपने यहाँ के सब आदमियों को बोल दिया है, तुम्हारा खास ख्याल रखेंगे। नहीं, मुझे घर पहुँचा दीजिए। जरूर पहुँचा देंगे, जरूर पहुँचा देंगे, लेकिन पहले मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ तक मुझे तो पहुँचने दो। ये तो इनकी पुरानी आदत है। टिक दा दिक दिक टिक दा दिक दिक थे। सुर में बोला, मर कटरे मर जाना के हास। दीदी, जीजा जी तो मुझसे कुछ मत कहना, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। तो क्या तुम ये सब सहती आ रही हो? नहीं तो क्या करूं, इनसे लड़ूंगी तो मायके में बैठना पड़ेगा। वहां तेरी हालत कौन सी अच्छी है, बोल। यहां कम से कम दिखावे के लिए ही सही, इज्जत तो मिलती है मुझे। इन्हें छोड़कर जाऊंगी तो मायके में मेरी कौन इज्जत करेगा? इसे तो यही अच्छा है ना? वो तो ठीक है दीदी, लेकिन मैं ऐसा समझौता नहीं करूंगी, मैं जान दे दूंगी। नहीं अनु, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना दीदी। देखो, बेहतर यही होगा कि आज की रात तुम नींद की गोलियां खा लो और आराम से सो जाओ। क्यों? वरना चीखोगी, चिल्लाओगी, तड़पोगी, सर पटकोगी, हो सकता है आत्महत्या भी कर लो। इसलिए अच्छा यही होगा, ये खाओ और आराम से सो जाओ। मर कटरे मर जाना के हमसे मर जाना। अरे तू चिंता मत कर, अगली काली पूजा में हम तीनों जने एक साथ पूजा करेंगे। ये तीसरा कौन है समझ गए? जी जी आप चलो, तुम ये जल्दी से कपड़े उतारो। क्या? मुझे ये सब खत्म करके महिला उद्धार संस्था के उद्घाटन पर जाना है। चलो चलो, शाबाश, जल्दी। नहीं। अरे जल्दी से कपड़े उतारो, सब घर का मामला है, जीजा साली का। चलो 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 जल्दी। अरे उतारो साड़ी, उतारो इसको। नहीं। मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला के क्या फायदा,
अरे तुम्हारी दीदी तो नींद की गोलियां खा के सो रही है, जल्दी से कपड़े उतारो और आ जाओ मुझे सब खत्म करके मीटिंग में जाना है। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो, ठहरो। क्या कर रही है, मुझे मारना चाहती है, पागल हो गई है। अरे अगर मैं मर गया तो तेरी बहन विधवा हो जाएगी और तेरा बुड्ढा बाप जो हार्ट का मरीज है वो मर जाएगा और तेरे भाइयों को तो फांसी हो जाएगी, पागल हो गई है। चल भाग उसको, भाग भाग। अरे रुक जा। इंग्लिश फिल्म की तरह से दे 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 किसी अरे तू भाग यहाँ से, चल यहाँ से। भगवान के लिए इन्हें मत मारो, मुझ पर दया करो, इन्हें मत मारो। अरे हुजूर, इतना तो बताते जाइए, उस दिन आपने वो मर्दाना थप्पड़ क्यों मारा था मुझे, बताइए बताइए। मैंने सातवीं क्लास में एक मुहावरा पढ़ा था, खेत खाए गधा और मार खाए जुलाहा। खेत खाए मार, मार खाए खेत खाए चूल्हा, मार खाए वो गधा जो अंदर बैठा है, ततथे ततथे ततहा, मार खाए गधा खेत खाए चूल्हा गधा गधा गधा। हुजूर मेरे दिल का कांटा तो निकल गया, आपका काम हुआ कि नहीं, उसने सलाम किया आपको? उसने झटका कहीं का। जब मैं जानकी के लिए शहर गया था तो यह तुम्हारे लिए। भैया कहीं भी जाते हैं तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई चीज जरूर लाते हैं, तुम भैया को कोई ऐसी चीज क्यों नहीं देती? तुम एक काम करो, तुम भैया को कोई ऐसी चीज दो कि उसके सामने उनकी दी हुई सारी चीजें फीकी पड़ जाएं। जल्दी से पहन लो। अच्छा हुआ कि तुम्हारी दीदी ने मुझे पुलिस थाने में फोन कर दिया था। दीदी ने तुम्हें फोन किया था? हाँ, अब चलो हमारा आदमी तुम्हें घर तक छोड़ देगा। हम इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ बात नहीं करोगे क्या तुम? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बोलो,
मुझसे नफरत करने लग गए हो? तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी क्यों नहीं आता कि मैं उनकी बहन बेटी हूं जिन्होंने, और फिर मैंने ये तो जानकी को आनंद के साथ भेजा था, बदले में तुम मुझे क्यों नहीं नोच कसोट डालते? अनु, मैं क्या करूं? कभी कभी तो लगता है कि बारूद की तरह फट जाऊंगी, या फिर लगता है कि जहर खा के मर जाऊं। तिल तिल मरती हूँ फिर भी जिंदा हूँ, सिर्फ इसी उम्मीद कि शायद किसी मोड़ पर तुम्हारे काम आ जाऊं। वैसे मैं तुम्हारे लिए अब कर भी कह सकती हूँ, मैं तो जानकी के लिए रो भी नहीं सकती। रोने की जरूरत भी नहीं, जो आंसुओं को रोक लेते हैं उन्हें दुनिया रोक नहीं सकती। चलो। मेरी बात गौर से सुनो कमिश्नर, तुमसे पहले जो पुलिस कमिश्नर था वो होमगार्ड डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था, उससे पहले जो था उसे जबरदस्ती रिटायर करवा दिया था। सुना है बाद में बेचारे ने आत्महत्या कर ली थी। तुम्हारी सर्विस को भी बस 2 ही साल बचे हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका सर्विस रिकॉर्ड आखिर में खराब हो, तुम ही नहीं चाहोगे कि किश्ती किनारे पर पहुंचने से पहले ही डूब जाए। ठीक है सर, मैं आज ही अजय से उसका इस्तीफा मांग लेता हूँ। इस्तीफा नहीं, लात मार के बाहर निकालो सारे को, सस्पेंड करो सुर में। सॉरी अजय। ये सॉरी वॉरी रहने दीजिए सर। अजय, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। प्लीज सर, प्लीज, मुझ पर हमदर्दी का कफन डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं, मैं जिंदा हूं, और मैं मरूंगा अभी तो अपनी असली मौत मरूंगा, आप लोगों की तरह झूठी मौत नहीं मरूंगा। अजय, आज भी मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा साथ होने से क्या फायदा? आपको कसम है सर, ना मेरी जिंदगी पर तरस खाइए, ना ही मेरी मौत पर आंसू बहाइए। कहते हैं कमिश्नर, नर नर यानी मर्द, आपने मुझ पर जोर से शताब नहीं बोला। आप सोचते होंगे कि जरा सी हमदर्दी दिखाई तो ये मुझ पर चढ़ गया, तो किस पर चढ़ूं? आलू प्याज की तरह कानून को बेचने वालों के बीच एक आदमी को तो देखकर ऐसा लगा था कि कानून की देवयानी नहीं है, लेकिन आप भी उनसे अलग नहीं है। बताइए सर, अपनी वर्दी को बचाने के लिए आपने हम जैसे कितनों की वर्दी उतरवाई है, गिनती याद है आपको? अजय, शायद तुम हमारे डिपार्टमेंट के कायदे कानून को भाड़ में जा, आपका कायदा कानून जब वर्दी पहनकर ही दल्ला बनना पड़े, अपने बदन का मांस बेचने वाली वेश्याओं से भी ज्यादा सड़े हुए हैं वो लोग जो सच्चाई की सांस बचा करते हैं। अजय, अजय सुनो, कहां जा रहे हो? उस रास्ते पर जिस रास्ते पर आनंद मिल जाए। अजय, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो इसलिए क्योंकि ऐसा मैं चाहता था। कौन सा बड़ा काम कर लिया? कपड़ा उतरवा लिया ना? कपड़ा उतरवाने का काम वेश्याएं भी कर लेती हैं, और इसी तरह आप दोनों सगे वाले हो। सर, आप ठंडा पिएंगे या गरम? यू शट अप। खड़क सिंह, अजय सस्पेंड तो हो गया है लेकिन वो जख्मी शेर की तरह आनंद की तलाश में सीधा गांव जा रहा है, उसको रास्ते में ही रोकना होगा। समझ लो वो रुक गया। आनंद जी भैया, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे।
सिंह जी की लाश। ठाकुर साहब। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, ठाकुर, अगर तुमने आनंद को पुलिस के हवाले नहीं किया तो मैं इसी तरह लाशें तुम्हारे हवाले करता रहूंगा, मां कसम। शमशान में आए हैं या मैदान जंग में? आनंद, अग्नि तुम दोगे। हम दोस्ती में कुछ उधार रख भी लें, लेकिन दुश्मनी में हम किसी का उधार नहीं रखते। ये हुई ना सुर की बात। ससुर जी, अच्छा किया जो आपने मुझे पुलिस वालों को साथ मिलाने से मना कर दिया। आप अपने पुलिस वालों से एक मच्छर को तो मरवा नहीं सके, उनको यहाँ लाकर क्या मैं उनका अचार डालूंगा? आप मेरा अपमान कर रहे हैं। दामाद जी, आप मान बढ़ाने वाली कुछ बात तो करो, फिर मान और सम्मान दोनों दूंगा। बहुत बेसुरी बात कर गए ससुर जी। डीएसपी माथुर। आचार्य। सर, मैंने खड़क सिंह से कहा था कुछ क्रिमिनल आपकी सहायता के लिए भेज देता हूँ, लेकिन वो माने ही नहीं। नहीं माना तो मरा ना, बनने दे। तो ये बता, जो जिंदा है वो कम मरेगा? जल्द सर, बहुत जल्द। आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्द इंस्पेक्टर अजय शास्त्री की लाश आपको मिल जाएगी। हो जाना चाहिए, नहीं तो तेरा सुर बिगाड़ दूंगा। मैंने सातवीं क्लास में एक मुहावरा पढ़ा था, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये तेरे साथ फिट बैठता है। पुलिस की वर्दी पहनकर भी तू पुलिस का मतलब नहीं समझा। मैं बताता हूं, पी फॉर पोलाइटनेस, ओ फॉर ओबीडियंस, एल फॉर लॉयल्टी, आई फॉर इंटेलिजेंस, सी फॉर करेज एंड ई फॉर एफिशिएंसी। ना तेरे में नरमी है, ना अकल, ना हिम्मत है और ना वफादारी। मैं तुझे आज
पुलिस का नया मतलब समझाता हूं। पी फॉर पिटाई। ओ फॉर उल्टा पलटी। और इसे कहते हैं एल फॉर लात। अब भी तीन बाकी हैं और पंचर हो गया। मुझे माफ कर दो, अजय मुझे माफ कर दो। तूने मेरी वर्दी उतरवाई थी, आज मैं तुझे मौत की वर्दी पहनाऊंगा। हेलो, मैं शमशेर बात कर रहा हूँ। बोलिए। आप कौन बोल रहे? आप डीएसपी साहब के कौन हैं? मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। नमस्ते बाबूजी, आप गांव से कब आए? अभी। डीएसपी साहब कहाँ हैं? डीएसपी साहब सो गए हैं। उनको एक खबर देनी थी। हम लोगों ने खड़क सिंह की मौत का बदला ले लिया है। अजय के मामा को गोली मार दी है और हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए हैं ताकि अजय को खत्म कर सके। जरा डीएसपी साहब से पूछेगा, उनको अजय के बारे में कुछ पता चला? तुम लोग कहाँ हो? जला हुआ खंडर है, हम लोग वहीं से बात कर रहे हैं। तुम लोग वहीं ठहरो, डीएसपी साहब जाग गया है, वो ही आकर तुम्हें सब कुछ डिटेल्स में बता देंगे। आप फिक्र न करें बाबूजी, हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। अच्छा, पाई लागो बाबूजी। क्यों बैलगाड़ी मंगवाई? उसने खड़क सिंह की लाश को बैलगाड़ी से भेजा था और हमें चुनौती दी थी। आज हम लोग भी अजय की लाश को बैलगाड़ी से भेजेंगे, लेकिन गांव के बीच से घसीटते हुए। Yeah!
लाशों के लिए अभी तक चिता क्यों नहीं बनाई? लकड़ियाँ और चाहिए सरकार। जो भी है इसी में जला दो। ठाकुर साहब, लकड़ियों में एक चिट्ठी मिली है। मैंने कहा था ना ठाकुर, कहानी लंबी करोगे तो लकड़ियों से ज्यादा लाशें जलेंगी। अब भी वक्त है, आनंद को हमारे हवाले कर दो। बाबूजी, आपने कहा था ना कि मैं अपनी रक्षा के लिए किसी को बुला लूं। बुला लिया? यही है वो। कपड़ों पर जो रंग चढ़ा दे उसे रंगरेजा कहते हैं, और जिंदगी पर जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। आदाब। इससे पैसों की बात हो गई? पैसा तो इन्होंने बहुत कम बोला है, लेकिन फिर भी आपका काम करने चला है, क्योंकि अजय शास्त्री हमारा भी दुश्मन है। वो समझता है कि हम मर गया, लेकिन हम आज तक उसका मौत बनकर जिंदा है। तुम सही आदमी को लाए हो। अब तुम अजय की चिता जलने तक यहीं रहोगे। भैया भैया, आप जो कपड़े लाए थे वो सब छोटे पड़ गए, और ये चूड़ियां भी। तो कपड़े पहने क्यों? आप लोग हंसे तो सही। हमें हंसाने के लिए आपने आपको मजाक बना लिया। इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, नजर लग जाएगी। कानून का मुजरिम है, चंगेज़े का नहीं। इसे कानून सजा देगा, और अगर किसी ने जरा भी हिलने की कोशिश की तो वो भून दिया जाएगा। कहा था ना मैं तुम्हारे साथ हूं, और चंगेज़ा के आदमियों से बचा लिया। और चंगेज़ा, उसे छोड़ दिया सर। पाप से पाप का प्रायश्चित नहीं होता। मुझे जानबूझ करके तुम्हारे थाने में भेजा गया था। आचार्य ने कहा था कि फॉल्स इनकाउंटर में तुम्हें मार दिया जाए ताकि इस वर्दी पर एक स्टार बढ़ जाए, और तुमने कहा था
कि कुछ ऐसा करो कि वर्दी तुम पर गर्व करे। इन दोनों में जो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है मैं वही करने जा रहा हूं। हम सारे पुलिस वालों की हमदर्दी आपके साथ है। अब भाग जाइए सर, अब भाग जाओ। बाकी का ड्रामा मैं फिट कर लूंगा। वो कैसे? जब हम इन साले हरामी दलों के लिए फॉल्स एनकाउंटर क्रिएट कर सकते हैं तो आप तो एक ईमानदार और सच्चे पुलिस ऑफिसर हैं। मैं आपकी दया से अब नपुंसक नहीं हूं सर। बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक। आपको तो यहां के नियम मालूम है, नौकरी या घुंघरू? घुंघरू। लगता है अंदर जाकर ही घुंघरू बांधेंगे। घुंघरू बांधकर अंदर आना चाहिए ताकि पता चले तुम किन लोगों में से हो। ये क्या है? आज घुंघरू तू बांधेगा। इंस्पेक्टर, तुम आग से खेल रहे हो। आचार्य, आग से मैं बचता रहा और इसी चक्कर में मेरा सब कुछ जल गया। मेरी आत्मा, मेरा जमीर, मेरी खुददारी, सब कुछ। हम ये वर्दी पहनते समय कितनी ऊंची ऊंची कसमें खाते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग हमें कुत्ता बना देते हैं जो तुम्हारे इशारे पर भौंके, काटे और तुम हिलाए। वो तो तुम अब भी हिलाओगे। हरगिज नहीं। मैंने बगावत का बिगुल तो यहां से जाने से पहले ही बजा दिया था। याद है एक दिन किसी ने तुम्हें फोन पर साले हरामी कमीने भड़वे की गाली दी थी? वो मैं ही था। मुझे तब से आज के दिन का इंतजार था आचार्य, जब मैं तुम्हारे पांव में घुंघरू बंधवा कर तुम्हें चलने पर मजबूर करूं। चलो बांधो घुंघरू। घुंघरू बांध कर चलना तो इनकी पुरानी आदत थी। बांध लीजिए ना घुंघरू। शट अप, यू शट अप, शट अप, शट अप। बांधो। मैं ही बांध देता हूं। ए चमक छल्लो, उस दिन कौन सा गाना गा रहा था? गा? नहीं, मुझे नहीं आता। गा। ठाड़े रही हो ओ बाके यार रे, ठाड़े रही हो। सुर में अचारे, सुर में चलना सीखो। ठाड़े रही हो बाके यार रे, ठाड़े। आचार्य को नचाने वाला जिंदा नहीं रहता। त्रिसुरा कहीं का। अब तो अजय की मौत का शुभ समाचार किसी वक्त भी आ सकता है। अजय जिंदा है। हंसो हंसो और हंसो, चुप क्यों हो गए? इनकी तो बम फोड़ने की पुरानी आदत है। वो दूसरा बम भी फोड़ दीजिए ना। अजय अब पुलिस के कब्जे में भी नहीं है, वो आजाद है। सत्यानाश। तुम्हारा सत्यानाश मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जो जो बातें मैं कहूंगा तुम्हें माननी होंगी। मानूंगा जीजा जी, मानूंगा। बताइए मैं क्या करूं?
लेकिन मुझे बचा लीजिए। मेरी और अन्नू की शादी की तैयारियां करो। ये शादी आज इसी वक्त और यहीं होगी। ऐसा मत कीजिए आप, ऐसा मत कीजिए आप, आप ऐसा नहीं कर सकते। आज तक मैंने आपकी सारी मनमानी सही है, सारी ज्यादती सही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ जुड़कर रहना चाहती थी। आप इस तरह मुझे अपने आप से अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ऐसा। आपको मेरे इस मंगलसूत्र की कसम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मंगलसूत्र में बड़ी शक्ति होती है बहन, तुमने अच्छा किया जो आज इन्हें मंगलसूत्र की कसम दे दी, जिससे आज ये एक पाप करने से बच जाएंगे, वरना पाप करना तो इनकी पुरानी आदत। मैंने भी सुना था मंगलसूत्र में बड़ी शक्ति होती है। अब यही मंगलसूत्र तेरी बहन के गले में पहनाऊंगा। अनु मुझे कैसे सर लाके दे दो, ऐसे जिंदगी जीने से तो मैं जाना चाहती थी। ऐसा नहीं बोलते। नहीं, चलिए, नहीं, छोड़ दो, चलिए, छोड़ दो से ले जाओ, वरना ये लोग इसकी बलि चढ़ा देंगे। इसे ले जाओ यहाँ से। आ जाए इंस्पेक्टर अजय शास्त्री। ये बेहोश है, अगर बेहोशी की हालत में ही मर गया तो मौत की तकलीफ का सुर क्या होता है वो इसे नहीं पता चलेगा। तो क्या चाहते हैं आप? ये लाश है, कल सुबह इसके साथ वो सब कुछ किया जाएगा जो एक लाश के साथ किया जाता है। उठाओ, 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 उठाओ। चल चक्के, उठा मटका। ले चलो लाश को गांव से। नाम नाम सत्य है, चलो। राम नाम सत्य है, 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 राम
बड़े सुर में रो रहा है, बहुत हमदर्दी हो गई है इससे। चुके, अब तू ही इसका क्रियाक्रम करेगा। चलो चलो सरा, सुर में चलो, सुर में ताल में चलो, सुर में। Thank you.
है। अरे भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अजय, अजय, मेरी माँ कसम पूरी हो गई, आप अपना फर्ज अदा कीजिए।